समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षदा जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। खोखरा कला। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल बांझ रहने के कारण सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजे जैसी मांगों को लेकर किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काला पीपल पंचमुखी चौराहे पर प्रदेश की सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी पंकज जोशी के नेतृत्व में किसानों की अनेक समस्या जैसे किसान कर्ज माफी, अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसल व फसल का उचित मुआवजा दिए जाने सहित 21 मांगों को लेकर काला पीपल पंचमुखी चौराहे पर विशाल धरने का आयोजन किया गया एवं समस्त मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम नायाब तहसीलदार काला पीपल को ज्ञापन सौंपा, जिससे आसपास के गाँव से आए दिन आए किसान एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। और केवल नीमच और बंसों को ही बाढ़ पीड़ित माना है। क्या हमारा शाजापुर जिले बाढ़ पीड़ित नहीं है? ऐसे 32 जिले हैं जिनके अंदर अतिवृष्टि के कारण से सोयाबीन बांझ हो गई है। सोयाबीन जो हमारे किसान लेके आए हैं, दिखाओ भैया कहाँ है सोयाबीन लाना। वो हमारे किसान लोग आपके माध्यम से महामारी राज्यपाल महोदय को हम कहना चाहते हैं, ऐसे 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 अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इस बर्बादी के मुआवजे के रूप में 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा राशि दी जाए। इसके साथ हमने साथ में ये बात कही है कि आपने किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ की बात कही है। वह किसानों का कर्ज माफ करके आप अपना वादा निभाओ और हमारे किसानों का जो तकलीफ हो रही है उसे तकलीफ को कम करने का प्रयास करिए। साथ में हमने ये कहा है कि जिन जिन जापानी केंद्र सरकार ने हमें 6,000 रुपए जो सम्मान निधि देने की बात कही थी, उस सम्मान निधि को देने के लिए आपको जो सूची किसानों की मध्य प्रदेश के किसानों की देना थी केंद्र को, वो आप नहीं दे पाए हैं। आप जल्दी से जल्दी वो सूची केंद्र को सौंपे ताकि हमारे किसानों का थोड़ा दुख दर्द कम हो सके। बिजली के बिल के बारे में आपने कहा था बिजली का बिल, वो बिजली आज पूरी तरह से गायब है और बिल देखने जाओगे तो 5,000-7,000 रुपये जब फसल पूरी बर्बाद हो गई है। खबर समय जगत के लिए खोखरा कला से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।